ची नी सान योन गो रोकु शिची हाची, ये गाना तो आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने वीडियोस पे गूगल पे यूट्यूब पे अलग अलग जगहों पर आपने इस काउंटिंग को सीखने की काफी बार कोशिश करी होगी, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग इवन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी वो चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो कि क्योंकि मुझे चार चार पांच पांच बार बताना पड़ता है, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा हाँ ये अच्छा है, ये कुछ नया है। तो नया कुछ भी नहीं है, ये सच है। तो आज जो मैं चीज आपको सिखाना चाहता हूं वो है काउंटिंग, टाइम, डेट, नंबर्स। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे टाइम, डेट, नंबर्स और इस तरह की काउंटिंग को सीखने की क्या क्या ट्रिक्स होती हैं। और देखिए, ट्रिक्स की जब बात करते हैं तो कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आपको अचानक ही सब कुछ सिखा देगा, लेकिन हाँ, एक चीज जो एक कह सकते हैं शॉर्टकट है, या फिर कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा लर्निंग मेथड है, जो कि एक बच्चे को जापान जाकर ही पता चलता है। इनफैक्ट मैंने भी जब जापान में जापानीज लैंग्वेज सीखनी शुरू की थी, यहाँ से एडवांस लैंग्वेज सीख के मैं जापान गया था, लेकिन फिर भी ये डेट, काउंटिंग, नंबर जो है मुझे पहले दिन ही समझ आ गया था कि इनको बार बार रिपीट करना पड़ता है, रैंडमली रिपीट करना पड़ता है। मैंने आपको जैसे अभी इनिशियली भी या फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रैंडमली टाइम, डेट, नंबर्स को रिपीट करना है और इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये लिस्ट जो बनी हुई है, इसमें अगर आप जैसे इसमें तो जैसे मैंने 6-7 एंट्रीज ही करी हैं, आप अगर एक पेज पर 50-60 एंट्रीज रैंडमली कर सकते हैं। देखिए, जापानीज में कुछ भी नहीं लिखना है आपको, इंग्लिश में ही जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से लिस्ट बनाइए बहुत लंबी, और उसको बार बार रिपीट कीजिए। जैसे कि अगर इस लिस्ट को देखें तो जू निजी सान जुपुन, जू जी निजुपुन, जू ची जी योन जुपुन, कुजी गोजुपुन, हाची जी जुपुन, गोजी निजुपुन, इस तरह से जू निजी योन जुपुन, इस तरह से रिपीट कीजिए। लगभग 50 एंट्रीज कीजिए। सबसे पहले जैसे लेफ्ट में टाइम दिया हुआ है तो रैंडमली टाइम लिखिए, बहुत इंट्रिकेट, बहुत मुश्किल, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइम मत लिखिए, जैसे 12:57 इस तरह से मत लिखिए, 00 तक रहिए, ये आपकी प्रैक्टिस बहुत बहुत तेज कर देगा। इसको क्या करना है आपको, इसको बार बार रीड करना है, इसको इसी स्पीड से ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है सिर्फ एक हफ्ता, और अपने काउंटिंग की स्पीड में आप खुद ही फर्क देख सकते हैं। आगे जाके आपको लैंग्वेज ये इतनी अच्छी, इतनी तेजी से समझ आने लगेगी कि इसमें आप N5 N4 की गोई यानी कि वोकैबुलरी को भी, इसके लिस्ट को इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे जो डेट की लिस्ट है 3 मार्च, 10 अप्रैल, 24 जून, इसको भी आप जापानीज लैंग्वेज में तेजी से कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें मंथ आपको पहले बोलना होता है, डेट बाद में बोलनी होती है, तो आपको पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सांगात्सु मिक्का, शिगात्सु तोका, रोकुगात्सु निजुयोका, गोगात्सु जू सान निची, कुगात्सु जू रोकु निची, जूनिगात्सु सान जुइची निची, जुइचिगात्सु निजु नी निची। इस तरह से तेजी से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तो सिर्फ 6-7 एंट्रीज हैं, आप कम से कम 50 एंट्रीज का एक पेज बनाइए, रैंडमली कोई भी लिस्ट बना लीजिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को डेमोंस्ट्रेट करके दिखा चुका हूँ, और जो असली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए 10 में से सिर्फ 3-4 ही होते हैं, लेकिन उन लोगों ने बहुत ही तेज़ी से इस तरीके को पिक किया, उन्होंने ही मुझे इस चीज़ का फीडबैक दिया है कि सर हम अब वोकैबुलरी को भी इसी तरह से करते हैं, पूरी N5 की वोकैबुलरी में इसी तरह से कर रहे हैं। जैसे ये नंबर है, आगे बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इचिमान नीसेन, साममान योनसेन, रुकुमान हस्सेन, क्यूमान गोसेन, नीमान नीसेन, इचिमान हसेन, सॉरी इचिमान हाप्याकु, देखिए मुझसे भी गलती होगी ना, तो इस तरह से आप भी गलती करिए, तेजी से करिए इसको। आगे जाके और मैंने एंड में एक नंबर डाला, इसको भी आप रीड करते हैं, इचिमान गोसेन गोह्याकु सांजू। इस तरह से इंट्रिकेट काउंटिंग बनाइए, 50-60 एंट्रीज कीजिए और रिपीट 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 रिपीट, इनको बार बार रिपीट कीजिए। आपको शुरू में शायद अजीब लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, ये ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या तरीका है, लेकिन एक बार करके देखिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सच में सीखने लग गया हूँ। बेसिक लैंग्वेज के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी, एक बार मोटिवेशन मिल जाती है तो जापानीज लैंग्वेज सिर्फ 1-1.5 साल का गेम होता है, या फिर अगर मोटिवेशन नहीं मिलती तो वो 4-5 साल तक रगड़ रगड़ के आप उसको सीखते हैं और किसी तरह से कोई जॉब पकड़ते हैं, फिर बोलते हैं मेरा N4 क्लियर नहीं है, N3 क्लियर नहीं है, बिना N4 के जॉब मिलती है, क्या वीज़ा मिलता है, ये सब मिलता है, सब चीज़ों में चक्कर में पड़े रहते हैं। इन सब चीज़ों को पैरेलली थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, लेकिन मेन पढ़ाई के ऊपर फोकस करें और तेजी से इस तरह से काउंटिंग से शुरू करके आगे जाके वोकैबुलरी को भी सीखें। ऑल द बेस्ट। देखिए, सुनने में या फिर इसको देखने में तो ये आसान लग रहा है, एक वोकैबुलरी की तरह ही तो है, इची नी सान मैं इस तरह से याद कर लूंगा, लेकिन जब खासतौर पर जब हम बात करते हैं सबसे बेसिक लेवल N5 लेवल के लिसनिंग सेक्शन के सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें,
तो उसमें एक सेंटेंस आता है तानाका साम वा माई नीची जूनी जी हान नो देन शनी नोते गाको एक ही मास, तो उसके अंदर आपको ये सारे वर्ड्स तो समझ आ ही गए हैं, लेकिन जो टाइम का वर्ड है जूनी जी हान, ये समझना उसी स्पीड से जो जिस स्पीड से बाकी सेंटेंस समझ आए, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो तरीका है, जो असली तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, टाइम डेट नंबर्स, इन सब को आप इस ही तरीके से, इस ही टेक्निक से अगर याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए ना सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि ये चीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखने में ये बिल्कुल आसान लगेगा, आप सोचेंगे ये क्या है, इसमें क्या नया है, ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन एक बार करके देखिए आपको कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपको, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाइम की बात करें, तो आप टाइम की एक लिस्ट बनाइए रैंडमली, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं करना है आपको। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल 8:30, 7:15, 9:40, 10:50, 12:15, जो भी आपका मन करे। ये तो मैंने 4-5 एंट्रीज करी हैं, आपको लगभग 50 ऐसी एंट्रीज करनी है। ये क्यों कर रहे हैं हम, मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं काउंटिंग की। काउंटिंग भी अगर आपको 1 से 100 तक परफेक्ट बनना है, देखिए इसमें रूल तो आसान होता है। अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी में हमें 85, 86, 55, 57 इस तरह से अलग अलग वर्ड्स को याद करना पड़ता है, और प्रैक्टिस से ही आपको ऑलरेडी वो याद हो चुका है, तो अब सुन के समझने में, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जापनीज के साथ भी यही कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन रूल की बात करें तो वो और भी ज़्यादा आसान है। आपको ये तो खैर इंटरनेट से भी पता चल सकता है कि रूल क्या होता है। 1 से लेकर 9 तक आपको काउंटिंग वर्ड्स को याद रखना पड़ता है, उसके बाद 10 तक याद रखना पड़ता है, उसके बाद 10 से 11 आप 10+1 वाला फॉर्मूला आपने सुना ही होगा, जू इची, इस तरह से आपको 12 है तो जू नी, इस तरह से आपको याद रखना होता है। लेकिन अगेन, मैं काउंटिंग को भी सिखाने का वही तरीका बताना चाहता हूं, जो कि आपको रैंडम लिया, अगर अचानक बोला जाए 75, अचानक बोला जाए 44, तो वो भी आप जापानीज में कन्वर्ट कर पाए उतनी ही तेजी से। इसके लिए आपको यही करना है, रैंडमली बड़े सारे नंबर्स की लिस्ट बनानी है, 75, 44, 39, 26, कोई भी आपको नंबर अच्छा लगे, 1 से लेकर 100 तक उनकी, या 1 से लेकर 1000 जो भी है उनकी लिस्ट बनाइए, और इस लिस्ट को रैंडमली तेजी से बोलिए। देखिए, शुरू में आपको दिक्कत आएगी, शुरू में आप क्या कहेंगे कि हाची जी सान जू पुन, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, शिची जी जू गो फुन, लेकिन बाद में आप तेजी से ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे, कुजी ऑन जू पुन, जूजी गोजुपुन, जूनीजी जुगोफुन, और फिर इस लिस्ट को दोहराइए, बार बार दोहराइए। याद रखिए, रैंडमली होना चाहिए, सीक्वेंस में नहीं करना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं करके 44, 39, 26, इसको जापानीज में बोलिए, योनजू योन, सानजू क्यू, नीजू कु, नाना जुगो, तो इस तरह से अगर आप रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं, तो नंबर, डेट, टाइम, इन सबको कवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। जैसे कि अगर हम डेट की बात करें, तो डेट भी लिख दीजिए, 3rd March, 4th December, कोई भी आपको डेट ठीक लगे। तो वही जो बुक्स में रूल लिखा होता है कि पहले आपको मंथ बोलना होता है, मार्च मतलब सांगात्स, और 3 को बोलते हैं मिक्का, तो सांगात्स मिक्का, जूनीगात्स योक्का, इस तरह से आप रैंडमली अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ 1 हफ्ता। ध्यान दीजिए, ये मैं सुनने में बहुत ही आपको अजीब सा, आसान सा, या बहुत ही कैजुअल सी एक्टिविटी लगती होगी, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एक बार अगर आपने ये काम सक्सेसफुली कर लिया, तो आपको N5 की वोकेबुलरी, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, फॉर्म्स, ते फॉर्म, प्लेन फॉर्म, ये सब फॉर्म्स याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने अगर पूरी एक बड़ी लिस्ट हो, याद रखिएगा, सिर्फ आपको उसको बस बोलना है, और बोल बोल के इतना लाउड वॉइस होनी चाहिए, बस अपने आप को सुनाई दे, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना है। लेकिन ये तरीका आपको N5, N4, N3 हर जगह काम आएगा, और आपके JLPT को एक ही बार में पास कराने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स चौकाई की वजह से फेल होते हैं, चौकाई का मतलब होता है लिसनिंग, दोकाई की वजह से भी फेल होते हैं, क्योंकि रीडिंग की भी वही कॉन्सेप्ट वही है, रीडिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट है, चाहे वो मुश्किल टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ की कम से कम 5 बार, चाहे वो मुझे समझ आ गया है लेकिन मुझे काउंट पूरा करना है, 5 बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, दोकाई का भी वही होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की, तो टाइम डेट नंबर से स्टार्ट करिए, और आगे जाके इसी तरह से वोकैबुलरी को भी याद करिए। वादा है मेरा,
100% ये सही बात है कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता. ऑल द बेस्ट.